प्लीज वेलकम राजू श्रीवास्तव। बस एपिसोड खत्म। बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए। यू हैव ऑडियंस, आज आपके पास पब्लिक है, ऑडियंस है। ये गीता माँ। अगर ये गीता माँ है तो क्या अहमद मामा है? हो सकते हैं मामू। लेकिन गीता माँ अच्छी लग रही है, एकदम पीली साड़ी में, एकदम बड़ा आलू बड़ा। अगर ये आलू बड़ा तो अहमद पाओ, बड़ा पाओ। आज तो खूबसूरती का मीटर हाई है। इधर ये खूबसूरती रागिनी, इधर गीता, इधर मंदिरा, इधर तनिषा, और इन सब के बीच में सिंगाड़ा। वैसे राजू जी, जी आप तो आज मूड में, पूरे मूड में, पूरे मूड में, क्या बात है, इतने खुश क्यों हैं? अरे अपने चिचा ना 67 उस शादी के इंतजाम के लिए गए। अच्छा, अपनी नहीं, अरे एक और चचा है 67, उनकी शादी के इंतजाम करने गए। अरे अच्छे दिन आने वाले हैं, बिग विजय चाचा नई चाची लाने वाले हैं। लोग एक शादी के लिए तरस रहे हैं, ऐसे ऐसे नेता अपने देश में, एक दिग्विजय चाचा हैं जो दो दो कर रहे हैं। जो चीचा 67 है उन्होंने तो उनके हनीमून का इंतजाम भी कर लिया है। अच्छा, फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। वैसे फ्लाइट से याद है, अपने देश में बहुत सारी फ्लाइट आई, बहुत सारी गई, लेकिन अपनी जो ऑफिशियल एयरलाइंस है सरकारी, फेयर इंडिया, फेयर इंडिया, उसकी अलग ही बात है। बीच में कुछ दिन के लिए किंग फिशर आई थी, अब किंग फिशर के सारी फ्लाइट्स एयरपोर्ट में आप देखिए पीछे रखे हुए, हैंगर में टंगे हुए हैं, और उनके ऊपर प्लास्टिक डाला हुआ है। जो दूसरे प्लेन उड़ते हुए जा रहे हैं उनको किंग फिशर वाला ऐसे देखता है। और उस प्लेन के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं, कौवे कहते हैं क्यों, क्या हुआ, आजकल उड़ नहीं रहे हो, तुमसे ज्यादा तो हम लोग उड़ रहे हैं। विजय माल्या अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो उनका स्टाफ जो विजय माल्या को देखता है तो बोलता है अरे विजय माल लाया। लेकिन फेयर इंडिया की बात क्या है, फेयर इंडिया जैसी एयरलाइंस दुनिया में नहीं हो सकती। ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। मैंने जितनी डांट फेयर इंडिया में खाई है उतनी डांट मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं डांटा। जरा सा लेट हो जाते थे एयर हॉस्टेस, अब आने का टाइम, मार झापड़ किसने, कहाँ रह गया था, कहाँ घूम रहा था, जाने के टाइम वहाँ सामान वहाँ का रख रहा है, उठा उठा मार झापड़, इतना लेट हो गया, पायलट तुमको ढूंढने गया है, सामान रख, पायलट को ढूंढ के ला। और जितना हॉट अनाउंसमेंट, सेक्सी अनाउंसमेंट फेयर इंडिया कर सकती है कोई एयरलाइंस कर ही नहीं सकती। छाती से बोलती है, छाती से एकदम खस्सी आवाज। फेयर इंडिया AI-101 यात्री से निवेदन है विमान की। जो लोग मुझे छोड़ने आए थे उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, बोले राजीव भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बिना टिकट अंदर घुस गए, बोले बात कर लेना रास्ते में टिकट बनवा लेंगे। मैं जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए तार एयरपोर्ट पे उतरा, बिल्डिंग के अंदर जा ही रहा था एयरपोर्ट में, कॉर्नर में देखा मेरा जो कैरेक्टर है गजोदर भैया मिल गए। हम दोनों जैसे ही फ्लाइट में इंटर करने वाले थे, एयर हॉस्टेस वेलकम ऑन बोर्ड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजोदर बोले भैया ए भैया शुरुआत तो सही है। शुरुआत जैसे ही देखा पैसेंजर बैठ गए, उसने उठा के दरवाजा बंद किया धप्पा। उसके बाद डराना शुरू कर दिया, पीछे से अनाउंस करेंगे हम यात्री को बता दें
हमारा प्लेन पुराना है, एयर हॉस्टेस पुरानी है, लेकिन खुशी की बात है पायलट नया है। उसके बाद एयर हॉस्टेस से बिजनेस क्लास का कर्टन बंद किया। गजोधर बोले, अब औरतें नहाएंगी। अरे बिजनेस क्लास है, अरे तो कौन सा बिजनेस है, पर्दा लगा के हो रहा है, बिजनेस है तो खुल के करें। तो एक निकली खाने का ऑर्डर लेने, पूरा लहराती हुई, हेलो हेलो, लाड़ में पूरा मुंडी पैसेंजर के मुंह में घुसेड़ देगी। व्हाट यू प्रिफर, वेज या नॉन वेज? अब वो यूं, ये समझा नहीं, सब कुशल मंगल है। यू आर शाकाहारी या मांसाहारी? बिहारी बिहारी। तो लाड़ में और इतना झुक जाती हैं, इसको तो अच्छा लगता है, उस तरफ जाए वो टेंशन में। अपने दोस्तों से कहता है, हाँ यार परफ्यूम इंपोर्टेड है। और अगर आपका दिन बहुत खराब है और आपके बगल में ऐसा पैसेंजर है जो उसको हर 5 मिनट में जाना है, थोड़ी आंख लगी वो बोलेगा, हाँ भाई साहब थोड़ा सा, हेलो जाना है, अच्छा जाओ। आज तक मुझे एक आदमी नहीं मिला ऐसा जो एक बार में निकले जब तक मुंह के सामने दुकान रखे ना। और फ्लाइट में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो इंग्लिश में लाइन मारते हैं एयर हॉस्टेस पे, NRI वगैरह, अंग्रेज, जैसे उसने खाना रखा, लुकिंग ग्रेट, गुड वन, उसने जूस रखा, वेरी ब्यूटीफुल, इतना एटिकेट, इतना मैनर्स, पूरा उसको इंप्रेस कर देते, वेरी नाइस, नाइस आईज। सब चल रहा है, गुपचुप चल रहा है, सोच रहे कोई सुन नहीं रहा है, दैट्स वेरी नाइस, यू आर, आई लाइक योर फिगर, व्हाट अ फिगर, आई लाइक योर फिगर। और एयर हॉस्टेस बुरा नहीं मानी, थैंक यू थैंक यू। वहीं अपना कोई इंडियन, जबरदस्त लग रही हो। और सुनाओ, एकदम जोरदार हो, जोरदार। और कभी कभी कुछ कॉलेज के लड़के बैठ जाते हैं, पास आउट हुए हैं, चिल करने, पिकनिक करने कहीं जा रहे हैं विदेश में, वो एयर हॉस्टेस को परेशान करते हैं, प्रकाश पानी मांग पानी मांग। पानी मांग, जान दे मैं पी लिया, पी लिया, मैं दो बार दिया उसने, मांगना फिर से मांगे, ड्यूटी देगी, मांगना। अब डर रहे हुआ, घंटी बजा, घंटी बजा, बेल्ट बंदी यार बजा नहीं पा रहा हूँ, सामने मैगजीन है ना उसको रोल करके मार टूंगा। यस, दो तीन बार पहले तप चुकी है तो चेहरे पे स्माइल नहीं, यस पानी चाहिए था, अभी दिया था ना आपको। हाँ तो प्यास है, प्यास लग गई तो प्यास लग गई, प्यास के अंदर क्या है, ओके ओके, फिर दिया गिलास, फिर वापस मांग, वापस मांग, अरे नहीं मारेगी, अरे मांग ना देगी, क्या पानी चाहिए ना, पानी हमें देती हूँ, ये लो, और चाहिए, हाँ ये लो, और दूँ, हाँ ये लो। अब जबरदस्ती पानी पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं रहा खुद का पेट है। मामला, ओह नो। अब जैसे ही उठे प्लीज करने के लिए, प्लीज सीट डाउन ना, वी आर लैंडिंग। बोले ये कौन सी लैंडिंग हो रही है यार, मुंबई से दिल्ली 2.5 घंटे की फ्लाइट, 20 मिनट हुआ है बोल रहा लैंडिंग। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोले अच्छा अच्छा, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, पर्दे के पीछे, यात्रियों से निवेदन है, मौसम खराब होने की वजह से कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें और अपनी जगह से ना उठें। थैंक यू थैंक यू।